नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यूसी पटनायक फ्रॉम मिलावट, द इलेक्ट्रॉनिक्स टेक चैनल जो इंग्लिश में अवेलेबल था, अभी हिंदी में भी अवेलेबल हूं। एनआईटी राउरकेला से पास करने के बाद ये मेरा 45 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अभी आपके सेवा में। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी, और बेल दबाना भी मत भूलिए। अभी आगे चलते हैं आज के टॉपिक पर। हमने आपको ये 37 लिस्ट का सेंसर दिखाया था जो सारे चीज कवर करता है, और इसके बारे में हम एक एक करके अभी डिस्कस करने जाएंगे। हम ज्यादा सर्किट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, और सर्किट तो बहुत सारे वेबसाइट में मिल जाते हैं, बट मेरे को जो बोलना है, ज्यादा करके सर्किट में जहां कंपैरेटर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाते हैं, एक LM358 लगाते हैं, ये एक कंपैरेटर रहता है। कंपैरेटर कुछ पिन में उसको फिक्स्ड वोल्टेज वैरी कराते हैं, कुछ वोल्टेज को वैरी कराते हैं सेटिंग के लिए, और एक पॉइंट में वो कुछ सेंसिंग लेता है। ये सारे चीज मेरे दूसरे वीडियो में, इंग्लिश वीडियो में है, उसमें आपको समझ में आ जाएंगे कि वो कंपैरेटर कैसे काम करता है एंड ऑल। तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, हम स्ट्रेट जाएंगे वो कैसे काम करता है, वो क्या फंक्शन है उसके, कैसे काम करता है, वो सब चीज में हम जाएंगे। फर्स्ट हम लेते हैं एक टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल। ये एक्चुअली डिजिटल टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल है। डिजिटल टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल मतलब इसका जो सिग्नल निकलता है वो सिग्नल डिजिटल है। इसको यूज करने के लिए कुछ प्रोग्राम लिखना पड़ता है, तब जाके वो काम करता है। और बाकी तो पॉजिटिव नेगेटिव ग्राउंड पॉइंट तो है, और वो उसको बोलते हैं वन वायर बॉस डिजिटली टू एनी माइक्रो कंट्रोलर वो काम करता है। नेक्स्ट रहा शॉक सेंसर मॉड्यूल। ये ऐसे दिखता है, और दिस मॉड्यूल उसका क्या होता है, आउटपुट इज लॉजिक हाई और लॉजिक लो। इसका आउटपुट क्या होता है, जो सिग्नल लिखा हुआ है, जो सिग्नल इधर लिखा हुआ है, इसका आउटपुट हाई होता है। हाई मतलब हम जो बोलते हैं फुल वोल्टेज, 5 वोल्ट का फुल वोल्टेज, और लो मतलब ग्राउंड जीरो होता है। तो ये है शॉक सेंसर मॉड्यूल। ये है मैग्नेटिक सेंसर मॉड्यूल, मैग्नेटिक हॉल मैग्नेटिक फील्ड सेंसर मॉड्यूल। हॉल मतलब इसके सामने अगर कोई मैग्नेट आता है, इसमें आउटपुट डेवलप होता है। तो ये है उसका खूबी, और वेरी वेरी यूजफुल है और रोबोटिक्स एप्लीकेशन में। कहीं भी आप थोड़ा मैग्नेट लाके, ऐसे तो रीड स्विच में भी हो सकता है, बट ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट कर सकता है, वेरी हाई स्पीड में ऑपरेट कर सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हॉल सेंसर। ये है एक सिंपल मोमेंटरी बटन मॉड्यूल, मतलब खाली एक बटन स्विच दिया है और उसका कनेक्शन निकाल दिया है, और इट डिलीवर एक हाई, कोई अगर इसको प्रेस करता है तो इसका आउटपुट हाई हो जाता है, मतलब 5 वोल्ट हो जाता है। यह है इंफ्रारेड ट्रांसमीटर मॉड्यूल। कुछ नहीं है, ये सिंपल एक एलईडी है, इंफ्रारेड एलईडी है, और उसमें सप्लाई देने से थ्रू ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, इसके अंदर बिल्ट इन रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस दे के जो नॉर्मली रेजिस्टेंस लगता है एलईडी में वो लगा के देने से ये इंफ्रारेड मतलब इनविजिबल लाइट थ्रो करता है। यह है एक एक्टिव बजर। कुछ नहीं है, खाली एक बजर है, और बजर का पॉजिटिव नेगेटिव और एक सिग्नल पॉइंट जो निकलता है, तो वो कुछ डिफरेंट साउंड करता है जब इसको सिग्नल देते हैं। यह रहा एक लेजर डायोड मॉड्यूल। लेजर डायोड मतलब इसमें जो पिक्चर दिखता है वो एक लेजर, वो एक लेजर है, और 5 वोल्ट में ऑपरेट करता है, उसका हम वेवलेंथ कुछ बोलते हैं। एंड ये जो हम पॉइंटर यूज करते हैं ना कुछ प्रेजेंटेशन के टाइम, यही है वो चीज, बट इसमें थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। तो बट ये सिग्नल निकलता है इसको, जब सिग्नल मतलब जहां इसको आप सिग्नल देंगे तो ये काम करना शुरू करेगा। ये है एक RGB 3 कलर LED मॉड्यूल, मतलब इसमें से 3 कलर निकल सकता है, बट कॉम्बिनेशन लगाने से कुछ 7-8 कलर भी हो सकता है। मतलब ये कुछ नहीं है, खाली एक LED है, उसमें 4 पॉइंट है, एक ग्राउंड है, बाकी 3 पॉइंट सप्लाई के लिए है। आप इधर सप्लाई दो तो रेड, इधर सप्लाई दो तो ग्रीन, इधर सप्लाई दो तो ब्लू, और दोनों को एक साथ सप्लाई देंगे तो एक दूसरा कलर, और दोनों को ऐसे कॉम्बिनेशन में 7-8 कलर आ सकता है। तो यही है कुछ RGB LED, कुछ ज्यादा कुछ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नहीं। ये है लाइट ब्लॉक सेंसर मॉड्यूल। इसके बीच में एक स्लॉट है, उस स्लॉट के अंदर कुछ भी ब्लॉक होता है तो इसमें आउटपुट डेवलप होता है। आउटपुट जो है इसमें सब लिखा हुआ है, सेंसर आउटपुट विल बी हाई, मतलब इसको ब्लॉक करने से ये आउटपुट जो होता है सिग्नल में, इसमें लॉजिक हाई हो जाता है, मतलब 5 वोल्ट हो जाता है। उसको कैसे यूज करना है? आप उसी हिसाब से प्लान करके यूज करना है इसको। यह है एक डुअल LED। डुअल LED मतलब ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, जिस लाइन पे सप्लाई देंगे विथ रेफरेंस टू ग्राउंड तो वो उसी कलर निकालेगा, और दोनों को एक साथ देंगे तो एम्बर कलर हो जाता है। यह है एक एक्टिव बजर मॉड्यूल, बट नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव मतलब सिंपल बजर है, तो खाली सप्लाई दो और सिग्नल उधर से निकलता है। यह है एक थर्मिस्टर बेस्ड टेम्परेचर सेंसर, एंड
इसका वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी इसके वोल्टेज वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। इसका भी सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव और आउटपुट सिग्नल आउट। यह है बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको। मतलब डाटा जो निकलते हैं डाटा बेस पे इसको प्रोग्राम में लेके कन्वर्ट करना पड़ता है, ये वो क्या है, कितना क्या क्या पैरामीटर है उसमें पता चलता है। ये भी एक RGB LED है, बट ये वो था पहले जो देखे थे वो सरफेस माउंटेड था, और ये है डिस्क्रीट टाइप, और उसका भी सेम फंक्शन, तीन कलर हो सकता है और कॉम्बिनेशन में ज्यादा कलर भी हो सकता है। यह है क्विक सिल्वर स्विच मॉड्यूल, सिल्वर स्विच विच कुछ नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा मर्क्यूरी है, दो पॉइंट है, और ये स्विच किसी तरह आप इसको टर्न कर लेंगे मर्क्यूरी तो लीक और वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकता है, तो जब दो पॉइंट यहाँ जो दो पॉइंट जब जोड़ जाएंगे तो आउटपुट निकलेगा। तो यही है, उसमें कुछ नहीं, थोड़ा मर्क्यूरी, एक बूंद का, एक ड्रॉप का मर्क्यूरी है, वो उसको टिल्ट के लिए यूज करा जा सकता है, जिस तरफ टिल्ट होगा अगर कनेक्शन ले लिया तो उसका आउटपुट निकलता है। यह है ऑप्टो सेंसर मॉड्यूल, बड़े बड़े चीज बोलते हैं, कुछ नहीं है ये, दिस इज एन LDR लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, मतलब इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो इसका आउटपुट चेंज होता है, कम होने से का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ज्यादा लाइट पड़ने से इसका रेजिस्टेंस फॉल कर जाता है। तो यही है, वो एक LDR है और खाली इसके बोर्ड में लगा के दिए हैं ताकि आपको यूज करने में आसानी रहे। यह है रिले मॉड्यूल, 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल, जो कॉन्टैक्ट है ये सब पॉइंट में कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट में, उसको NONC पॉइंट हम बोलते हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, मतलब जब पावर नहीं है तो नॉर्मली क्लोज में वो रहता है, और जब पावर देते हैं इसको रिले को, जब फील्ड को, जब करंट, जब सप्लाई देते हैं, वोल्टेज देते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉइल वोल्टेज, NO पॉइंट क्लोज हो जाता है, तो मतलब NO पॉइंट क्लोज होके सर्किट कंप्लीट कर सकता है। ये दिस इज ए रिले मॉड्यूल ओनली। ये भी एक टिल्ट स्विच है, और ये भी आते हैं उसके अंदर सेम, उसके अंदर सेम मर्क्यूरी रहता है, ये थोड़ा कवर करके रखा हुआ है, बट देन बोथ द फंक्शंस आर सेम, वो दोनों के फंक्शन सेम रहते हैं। यह है मिनी रीड स्विच, रीड स्विच मतलब ये छोटा सा ग्लास कैप्सूल के अंदर दो टर्मिनल रहता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका है, इसके सामने अगर कोई मैग्नेट आ जाए ये दोनों पॉइंट जोड़ जाता है, दोनों पॉइंट जोड़ जाने से यहाँ जो आउटपुट है वो आउटपुट निकलता है, आउटपुट मतलब आइदर उसको लो होगा या हाई होगा डिपेंडिंग ऑन, मतलब इसको लगाने से क्या होता है, ये दो पॉइंट जोड़ जाते हैं, दो पॉइंट जोड़ जाने से क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव को कनेक्शन है तो ये पॉइंट में पॉजिटिव आएगी, अगर ये नेगेटिव को कनेक्शन है ये पॉइंट में नेगेटिव आएगी। तो ये है जो रीड स्विच, इसको बोलते हैं हम रीड स्विच। ये है इंफ्रारेड रिसीवर, इंफ्रारेड रिसीवर मतलब इसको हम TSOP बोलते हैं, TSOP 1738, मतलब ये सब TV में हमारे लगते हैं, और ये क्या करता है, ये डाटा, इंफ्रारेड डाटा रिसीव करता है और रिसीव करके उसको प्रोसेस करता है। ये इसके अगर कोई इंफ्रारेड डाटा पहुंच गया तो इसमें सिग्नल निकलता है, वो सिग्नल नॉर्मली 38 किलोहर्ट्ज़ रहता है या 37.9 किलोहर्ट्ज़ रहता है, और काफ़ी डिस्टेंस से वो काम करता है, यही एक फ़ायदा है। यह है एक मिनी डुअल एक्सिस जॉयस्टिक, जॉयस्टिक मतलब क्या होता है, ये इसको आप कोई भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन एंगल कुछ भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है, जो रेजिस्टेंस चेंज होता है उसके बेसिस पे हम लेके उसको कोई ऑर्डिनो बोर्ड को या कोई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को फीड करने से उसका पोजीशन हम जान सकते। ये ज्यादा करके रोबोटिक्स में भी यूज होता है। ये है लीनियर मैग्नेटिक हॉल सेंसर, लीनियर मतलब इसका जो आउटपुट है ना ये लो हाई नहीं होता है, ये एज मैग्नेटिक फील्ड कम्स क्लोजर और गोज अवे अकॉर्डिंगली दी वोल्टेज इसका चेंज होता है, 0 to 5 वोल्ट, 0 to 2.5 वोल्ट ऐसे चेंज होता है, वो फिक्स्ड वोल्टेज नहीं है पहले जो देखे थे हॉल सेंसर, वो आइदर लाइक ए स्विच ऑन होता है या ऑफ होता है। ये भी एक रीड स्विच है, रीड मतलब बड़ा सा रीड लगाया, वो थोड़ा छोटा सा रीड था, ये थोड़ा बड़ा रीड है और कुछ नहीं है, तो सेम थिंग, जो पॉइंट अगर मैग्नेट के पास आने से जुड़ जाता है एंड उसके ऊपर कोई भी सिग्नल आप ले सकते हो। यह है एक फ्लेम सेंसर, फ्लेम सेंसर मतलब इसका सामने अगर कोई फ्लेम आए बट इसका सेंसिटिविटी बहुत कम, मतलब कुछ 10 सेंटीमीटर के आस में अगर कोई फ्लेम आप चलाएं, मतलब गैस लाइटर या कुछ लाएं, इसका आउटपुट निकलता है और इसका वोल्टेज रेफरेंस एंड वो सब सारे चीज यहाँ दिला हुआ है, तीसरे एंगल से ही वो ले सकता है उसका जो सेंसिंग। यह है मैग्नेटिक LED कप मॉड्यूल, मतलब
इसमें भी सेम अरेंजमेंट है, एक मर्क्यूरी स्विच है और एक एलईडी है, और जब ये टिल्ट हो जाता है ये मर्क्यूरी ये एलईडी जलता है, बाहर से इंडिकेशन आ जाता है इसके ऊपर और उसका आउटपुट भी सिग्नल की तरफ जैसे ले सकते हैं। यह एक डिजिटल टेम्परेचर सेंसर, उसमें क्या होता है वही आईसी लगा हुआ है, वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप सेंसिटिविटी को, और यहाँ एक थर्मिस्टर लगाया है और कुछ नहीं है, जो सर्किट हम दिखाए हैं उसी बेस सर्किट पे ही वो काम करता है, आइदर लो होता है या हाई होता है, जब सेटिंग से बढ़ जाएगा तो ये आउटपुट इसका लो या हाई होता है। यह है शॉक सेंसर मॉड्यूल, एक्चुअली ये वाइब्रेशन जैसे शॉक को लेता है और इसका जो आउटपुट है वो वाइब्रेशन के हिसाब से ही इसका आउटपुट निकलता है, तो ये कुछ डिफरेंट रोबोटिक एप्लीकेशन में भी यूज होता है। इसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल सेंसर मॉड्यूल, ऑब्स्टेकल सेंसर मतलब सामने दो ठो एक एलईडी है, एक आईआर एलईडी है, इसके सामने अगर कुछ आ जाता है तो क्या होता है, इसको हम जब सप्लाई जब देते हैं और इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, इसका रेंज भी इसका बहुत कम है, ये कुछ 3-4 सेंटीमीटर के बियॉन्ड और काम नहीं करता है, तो बट इसका 3-4 सेंटीमीटर का अंदर अगर इसके सामने कुछ आ गया तो जो इंफ्रारेड लाइट ये जो थ्रो करता है वो आज के रिसीव हो जाता है इसका जो रिसीवर है फोटोडायोड में और उसमें आउटपुट निकलता है। यह है लाइन फॉलो सेंसर मॉड्यूल, बहुत सारे रोबोटिक्स एप्लीकेशन में क्या होता है ये नीचे इसका जो एलईडी नीचे रहता है, एक लाइट थ्रो करता है एक लाइट रिसीव करता है, तो अगर ये लाइन से अगर आउट हो गया, हमारा कुछ वीडियो है इंग्लिश में उसको आप देखने से पता चलेगा, और लाइन हो जाता है इसका आउटपुट निकलता है, तो आउटपुट फॉलो करके जो लाइन फॉलोइंग रोबोट करते हैं वो हो सकता है। ये एक 7 कलर एलईडी ब्लिंकिंग मॉड्यूल है और डिफरेंट डिफरेंट कलर में वो ब्लिंक करता रहता है, कोई सिंपल एलईडी कनेक्शन है बट देन वो ब्लिंक करते रहता है। ये भी एक हॉल सेंसर है, हॉल सेंसर में इसका आउटपुट लेकिन डिजिटल मतलब आइदर जीरो होगा या हाई होगा डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेट कमिंग इन फ्रंट ऑफ इट, बट इसका जो रेंज है ना बहुत कम है, कुछ 1 सेंटीमीटर के नीचे से ही काम करता है, सामने अगर कोई मैग्नेट आए तो इसका आउटपुट चलता है। यह है मेटल टच सेंसर मॉड्यूल, मेटल टच सेंसर मॉड्यूल मतलब इसका एडजस्टमेंट प्रोविजन भी है और इधर एक पॉइंट है, ये पॉइंट को आप टच करेंगे तो इसका आउटपुट निकलेगा और सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए कंपैरेटर को एडजस्ट करने के लिए ये एक पोटेंशियोमीटर है, उसको चेंज करने से सेंसिटिविटी भी कंट्रोल होके उसी हिसाब से उसका आउटपुट हो सकता है। यह है एक हाई सेंसिटिविटी माइक्रोफोन मॉड्यूल, एक कंडेंसर माइक्रोफोन है, एक आईसी को फीड कर रहा है, एडजस्टमेंट है, इसका आउटपुट भी खाली लो हाई, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट, जब मतलब थ्रेशोल्ड मतलब कोई एक पॉइंट पे आप सेट किए उस पॉइंट से अगर नॉइज बढ़ गया तो इसका आउटपुट हो जाता है चेंज, बट उतने टाइम चेंज रहता है, वो इतना कंटिन्यूसली चेंज नहीं रहता है, उसको फिर प्रोग्राम को लेके कुछ काम करना पड़ता है जब रोबोटिक्स एप्लीकेशन में आप यूज करेंगे। यह है एक माइक्रोफोन मॉड्यूल, उसमें एक कंडेंसर माइक्रोफोन है और एडजस्टमेंट है, आईसी है, और इसका जो आउटपुट है बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, एनालॉग मतलब जैसे जैसे साउंड चेंज होगा वैसे वैसे वोल्टेज चेंज होता है, और यह जो डिजिटल है मतलब आइदर लो होगा और हाई होगा डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग पॉइंट इज ओनली फॉर डिजिटल, नथिंग दिस सेटिंग पॉइंट डजेंट वर्क फॉर एनालॉग। यह है हार्ट बीट सेंसर मॉड्यूल, हार्ट बीट सेंसर मॉड्यूल मतलब क्या होता है, यहाँ एक एलईडी है और एक रिसीवर भी है इंफ्रारेड का, के सामने अगर कोई फिंगर आप रखते हैं जो हमारे ब्लड फ्लो जो चेंज होता है उसके ऊपर वो पल्स डेवलप करता है, वो पल्स लेके आप कोई भी सर्किट में ऑपरेट करके काम कर सकते हैं। यह है रोटरी एनकोडर, ये थोड़ा हाई फंडा प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है रेजिस्टेंस कुछ है चेंज होता है, हाई फंडा प्रोडक्ट है, ये पोजीशन जानने के लिए डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए रोबोटिक्स एप्लीकेशन में यूज होता है। ये सब देखने के बाद मैं सोचता हूँ आप अभी सोचते होंगे ये काय को 37 सेंसर्स है, उसमें तो कुछ ज्यादा कुछ सेंसर्स नहीं है, बट जो प्राइस वो देते हैं वो प्राइस के हिसाब से ठीक ही है, अगर आपको इसमें से सारे को यूज करना नहीं है तो ये इतना वर्थ बाइंग नहीं है, आप इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं बट इंडिविजुअली आपका रेट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, मतलब एवरेज प्राइस आपका 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ ऐसे आ जाते हैं। इसमें एक दो कॉस्टली आइटम वो देते नहीं है, वो है अल्ट्रासोनिक वाला, अदरवाइज ये जो कंप्लीट लिस्ट है वो ठीक है, काम कुछ करने के लिए ठीक है। तो अभी क्या सोच रहे हैं, ये जो 37 सेंसर के बारे में हम बताए थे सिर्फ 812 रुपये में खरीदने जा रहे हो क्या ईबे लिंक से, आपके मर्जी मत करो भाई, अब मेरे बहुत कुछ आगे भी बोलना है, थोड़ा सा सबर करें।